आइए आज बात करते हैं सेकेंडरी मूड डिसऑर्डर्स की। इसका मतलब यह है कि डिप्रेशन आता है मगर वो सेकेंडरी है, दुय्यम है, प्राइमरी बिल्ला बीमारी कुछ तो भी अलग है। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन तज्ञ हूँ। मेरे पास में काफ़ी पेशेंट आते हैं, डॉक्टर्स लोग बाकी रेफर करते रहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, और मेडिकल प्रॉब्लम है और वो भी वो डिप्रेस्ड है, मतलब उसका मूड बहुत ख़राब है, उसको नर्वस लग रहा है, निराश, उदास, काम में मन नहीं, थकान लग रही है, नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं, पीना नहीं, कोई एनर्जी नहीं है, बहुत लो एनर्जी लेवल है, रो रहा है, मतलब एकदम क्लासिकल डिप्रेशन दिखाई देगा कि बहुत ही उसको डिप्रेशन आया हुआ है, मगर उसको कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशन रहता है और मेडिकल या सर्जिकल कंडीशन की वजह से उसको डिप्रेशन आया रहता है। अब ये कौन सी कंडीशन है कि जिसके वजह से डिप्रेशन आता है, तो हमको देखना जरूरी है। एक तो ऐसी होती है कि भाई ब्रेन की कंडीशन है। अब ब्रेन के कंडीशन में एक तो होता है कि ब्रेन का ट्यूमर, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फिर ब्रेन में एचआईवी का इन्फेक्शन आ गया, एचआईवी मतलब एड्स वैसा ही हो गया, हंटिंगटन डिजीज, तो ये जो बीमारी है, या ब्रेन को मतलब पैरालिसिस हो गया, खून कम पहुंचा, एक हिस्सा पूरा बदन का चले गया, हेमिप्लेजिया, पैरालिसिस, उसके बाद में फिर उसको डिप्रेशन आते रहता है। तो ऐसी काफ़ी सारी ब्रेन की बीमारियां हैं, ब्रेन को चोट पहुंचना, इसकी वजह से उसको डिप्रेशन आता है। तो नेक्स्ट है कि पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियास जो है स्वादुपिंड या लीवर, तो उसका कैंसर या उसकी बीमारी, लीवर की बीमारी, पैनक्रियास की बीमारी, डायबिटीज, शुगर की बीमारी, थायराइड, थायराइड का डेफिशिएंसी होना, मतलब थायराइड के हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होना, उसकी वजह से ऐसा होता है। फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी ऐसा होता है, विटामिन B12 उसके कमी से डिप्रेशन आ जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी बीमारियां हैं कि जो हमको मतलब शारीरिक बीमारी है और उसके वजह से डिप्रेशन आया रहता है। कैंसर, कहीं भी कैंसर हो दो, टर्मिनल इलनेस, उसको मालूम है कि अपन अभी मरने वाले हैं, तो उसके बाद में वहाँ उस समय डिप्रेशन आते रहता है। फिर हार्ट कंडीशंस, हार्ट में हार्ट का अटैक आ गया, दौरा आया दिल का, हार्ट के कोई प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोई दवाई खा रहे हैं, और उसके वजह से फिर डिप्रेशन आ सकता है। ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से भी डिप्रेशन आता है, कोई इन्फेक्शन है ब्रेन में, कोई सूजन आई हुई है, उसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है। तो डिप्रेशन कोई भी शारीरिक बीमारी में आ सकता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि डिप्रेशन को डिप्रेशन सिर्फ ना ट्रीट करते हुए, पहले एज ए साइकियाट्रिस्ट मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि डिप्रेशन ये और कोई बीमारी की वजह से आ रहा क्या। सिंपल रहता है कभी कभी कि किडनी में मतलब किडनी की बीमारी है, उसका सीरम क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, मतलब सोडियम पोटेशियम अपने ब्लड में कम हुआ है, और उसके वजह से उसको डिप्रेशन आ सकता है। तो डिप्रेशन का कोई भी पेशेंट मेरे पास में आता है, तो मैं ये देखता हूँ कि भाई उसको कोई मेडिकल कंडीशन पहले है क्या, और मेडिकल कंडीशन पहले नहीं है इसका पहले कंफर्मेशन करना ज़रूरी है, और उसके बावजूद भी उसको डिप्रेशन है तो हम बोल सकते कि नहीं, उसको प्राइमरी डिप्रेशन है, उसको सेकेंडरी डिप्रेशन नहीं है। तो जिनको जिनको सेकेंडरी डिप्रेशन है, मतलब कोई मेडिकल बीमारी है उसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है, तो वो भी पेशेंट हमारे पास में आते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो डॉक्टर रहता है ट्रीट करने वाला, वो ही उनको कुछ ना कुछ दवाई प्रिस्क्राइब करते रहते हैं। मेरे से रिक्वेस्ट है कि भाई पेशेंट यदि बोलते कि नहीं भाई हमको साइकियाट्रिस्ट की तरफ भेजो, तो वो बराबर उसको दवाई, टाइट्रेशन, डोज उनको दे सकता है, ताकि उनका एसोसिएटेड डिप्रेशन जो है बीमारी की वजह से, वो पूरे का पूरा ठीक हो सकता है और व्यक्ति नॉर्मल जीवन जी सकता है। तो ये ट्रीट करना जरूरी है, वैसा ट्रीट आप ही आप हो जाएगा ऐसा डॉक्टर लोग बोलते रहते हैं। उसका जो जनरल फिजिशियन बोलते हैं ना, वो ठीक हो जाए, कोई चिंता मत करो, मगर प्राइमरी कंडीशन ठीक होने तक क्यों रुकने का है? प्राइमरी कंडीशन ठीक हो रही है, उसके साथ साथ ये डिप्रेशन है वो भी ठीक हो सकता है। तो ना डॉक्टर समझो रेफर करते हैं, तो पेशेंट ने बोलना चाहिए कि ठीक है भाई मुझे रेफर करो, मैं साइकेट्रिस्ट के पास में जाके मैं दवा लेता हूँ, और एंटी डिप्रेशन प्रॉपर मात्रा में डोज में आप लेते हैं
तो आपका डिप्रेशन पूरे के पूरा ठीक हो सकता है। होता क्या है कि कैंसर की बीमारी है उसमें डिप्रेशन आया हुआ है, या उसको कोई लकवा मारा हुआ है, हेमिप्लेजिया है, उसे डिप्रेशन आया हुआ है, तो वो खुदकुशी भी कभी कभी कर सकता है कि नहीं भाई मेरा कुछ खरा नहीं है, मैं मर जाऊंगा, वैसा भी मरने वाला हूँ, खुदकुशी करने तो अच्छा है। अच्छा, सादा डिप्रेशन है, समझो B12 डिफिशेंसी का डिप्रेशन है, विटामिन B12, और वो ठीक ही नहीं हो रहा, मतलब वो आप ठीक नहीं कर रहे, उसको डिप्रेशन है, वो कभी सुसाइड कमिट करता है, तो इतना सस्ता इंजेक्शन है, इतनी सस्ती दवाइयाँ हैं, तो वो ठीक हो जाएगा। थायराइड हार्मोन की कमी है, थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, थायराइड का उसको टैबलेट दे दो, कुछ रुपए में उसका इलाज हो जाएगा और डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे डिप्रेशंस हैं कि जो सेकेंडरी डिप्रेशन है उसका इलाज होना जरूरी है। ये लोगों को वीडियो फैलाओ, लोगों में एक जानकारी, लोगों का एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग उनका प्रॉपर इलाज कर लेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकॉन आता है तो उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग हमको है ना काउंसिलिंग भी करते हैं, इसके लिए दूर दूर से बड़े फ़ोन आते रहते हैं, बोलते हैं हमको काउंसिलिंग करो, फ़ोन के ऊपर काउंसिलिंग कोचिंग हम उनको देते रहते हैं, और जिसकी वजह से वो मतलब यहाँ आने की हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है, लोग फ़ोन पे हमारी अपॉइंटमेंट लेते हैं और ऑनलाइन काउंसिलिंग करके लोग अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ज़रूर आप नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो शेयर कर सकते लोगों को। थैंक यू वेरी मच।